से लेकर अब तक के कई ऐसे फिल्मों में देखेंगे दिया बुझा मतलब बीमार बाऊजी टपके पाकिस्तान में तो बॉलीवुड की फिल्म बहुत ही ज्यादा देखी जाती है ऐसे में तो उन्हें समझ में आ ही जाना चाहिए जैसे एक दिए के बुझने का मतलब होता है एक बीमार इंसान टपका उस हिसाब से अगर जोड़ेंगे तो पाकिस्तान में पूरी की पूरी ब्लैक आउट हो गई थी बेचारे उन पाकिस्तानियों का क्या हाल हुआ होगा जब वो भी रात के ग्यारह बजकर इकतालीस मिनट पर अचानक से बिजली गुल हो गई क्या भारत ने गुल कर दिया था जानेंगे इसके बारे में इसके अलावे क्या भारत का आर्मी हेडक्वार्टर बनने वाला था निशाना पाकिस्तानी एयरफोर्स का आखिर 24 लड़ाकू विमान क्या करने पहुंचे थे तो वहीं ईरान को भी अब चाहिए भारत से मदद और अब तो ब्रह्मोस से हार ही गया चीन जानेंगे इन खबरों को विस्तार ऐसी वो कहते हैं ना बाप न मारे मेढ की और बेटा तीरंदाज जैसे तैसे मंत्री बने शेख रसीद अपने बड़बोले बयान के लिए मशहूर रहते हैं हालांकि आजकल रसीद ट्विटर पर कुछ और कारणों के लिए भी मशहूर हो रहे हैं। दरअसल अचानक से रात के करीब ग्यारह बजकर इकतालीस मिनट पर पाकिस्तान के कई प्रमुख शहरों की बिजली गुल हो गई और पूरा का पूरा ब्लैक आउट हो गया कराची इस्लामाबाद लाहौर पेशावर और रावलपिंडी ऐसे में तो डर लगना ही था क्योंकि पिछली बार जब इसी तरह रात के अंधेरे में उनके खुद के लड़ाकू विमान आसमान में दौड़ने लगे थे तो डर के मारे पाकिस्तानी ये चिल्लाने लगे थे कि भारत ने हमला कर दिया है भारत ने हमला कर दिया है शेख रशीद ने अब ये कह दिया कि पाकिस्तान में जो ब्लैक आउट हुआ वो भारत ने किया है भारत ने पाकिस्तान की बिजली इसलिए काट दी है कि वहाँ किसान आंदोलन जो हो रहे हैं उससे दुनिया का ध्यान हटाया जाए और पाकिस्तान में लगाया जाए बड़बोले मंत्री रसीद को चार बादाम सुबह और चार बादाम शाम को जरूर खाना चाहिए ताकि उनकी दिमागी हालत में कुछ सुधार हो सके क्योंकि यह सब कुछ हुआ था उनकी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इस पूरे मसले पर जानकारी देते हुए पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्रालय ने ट्विटर पर फिर लिखा कि पावर ट्रांसमिशन सिस्टम की फ्रिक्वेंसी में अचानक 50 से जीरो की गिरावट की वजह से देश व्यापी ब्लैक आउट हो गया था वहीं दूसरी तरफ ईरान की दुश्मनी अमेरिका और फ्रांस से जग जाहिर है जहाँ अमेरिका से उसकी पुश्तनी दुश्मनी है तो वही फ्रांस ग्रीस ईरान से उलझने की तैयारी भी कर रहे हैं जिसकी वजह से ईरान न तो अमेरिका से किसी भी तरह की वैक्सीन लेना चाह रहा है और न ही फ्रांस से इन दोनों के ही ऊपर ईरान का विश्वास नहीं है ईरान ने शुक्रवार को अमेरिका से फाइजर बायोटेक और ब्रिटेन से एस्ट्रोजेनिका के टीकों के आयात पर रोक लगा दी और ईरान के सबसे बड़े नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने टेलीविजन पर प्रसारित एक भाषण में दोनों ही देशों के बारे में कहा की इन देशों में खुद ही इतनी ज्यादा घटनाएं हो रही है इस महामारी की वजह ऐसी ऐसे में इनके टीके पर कैसे विश्वास किया जा सकता है उन्होंने कहा कि मैं उन देशों पर वाकई भरोसा नहीं करता हूँ कई बार वे दूसरे देशों में अपने टीकों का परीक्षण करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं फ्रांस के बारे में भी आशावादी नहीं हूँ हालाँकि थामनेई ने अन्य सुरक्षित स्थानों से टीकों के आयात की मंजूरी दी है वैसे आपको बता दें ये जो अन्य सुरक्षित स्थान है कहा जा रहा है कि यह भारत है इस वक्त भारत वैसे भी वैक्सीन को बेचने में सर्वोच्च पहुंच गया है ब्राजील दक्षिण अफ्रीका नेपाल और अब ईरान ये सारे देश भारत से ही वैक्सीन खरीदना चाह रहे हैं ये दिखलाता है कि भारत के ऊपर इनका भरोसा कितना है वही दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन दोनों की सबसे बड़ी समस्या इस वक्त है भारत के समस्या इस वक्त है भारत के लड़ाकू विमान और भारत का ब्रह्मोस ये सबसे बड़ी समस्या कर उभरा हुआ है जिससे बचने के लिए ये बार बार युद्धाभ्यास कर रहे हैं जहाँ राफेल के साथ युद्धाभ्यास करते हुए पाकिस्तान को अपनी औकात पता चल गयी थी और वो दौड़ा था जे अलेवन और जे टेन को खरीदने के लिए चीन से तो वहीं ब्रह्मोस अब उनके लिए काल बनता जा रहा है ब्रह्मोस जिसमें हाई स्पीड होने के साथ साथ कम ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता है इसका सीधा मतलब है कि कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसको आसानी से पकड़ नहीं सकता है या ये कहें इनको पकड़ना मुश्किल है और अगर ब्रह्मोस के दूसरे एडवांस वर्जन की बात करें तो वो तो ऐसा होगा जैसा कि चीन ने कभी सोचा भी ना होगा जब इस छोटे से ब्रह्मोस ने यह हाल कर दिया है तो उस एडवांस वर्जन ने तो पूरी तरीके से बर्बाद ही कर देना है क्योंकि उसके बारे में यह कहा जा रहा है कि वह पूरी तरीके से हाइपरसोनिक होगा चीन ब्रह्मोस को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा है और इसके लिए वह अपने हर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है लेकिन अब तक उसे कोई भी सफलता नहीं मिली है कहा तो यह जा रहा है कि उसने तीन बार अपने अलग अलग डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया लेकिन फिर भी उसे फायदा नहीं हुआ और ये रिपोर्ट आ रही है फिलीपींस की तरफ से जो कि ब्रह्मोस का एक सबसे पहला ग्राहक बन रहा है भारत का फिलीपींस का कहना है कि उसने भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीद कर बहुत ही अच्छा किया है वही एक और सच्चाई खुलकर आई है सामने हमने आपको बताया था जफर हिलाली नाम के एक पूर्व राजनयिक ने जो की पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक है एक इंटरव्यू के दौरान उनकी जुबान फिसली थी और उन्होंने यह बतला दिया था कि बालाकोट में आखिरकार भारत ने 300 आतंकवादियों को ऊपर पहुंचा दिया था हालांकि सिर्फ इतने तक नहीं रुके थे हिलाली। उस इंटरव्यू में उन्होंने एक बात और कही थी जो बहुत ही बड़ी बात निकली दरअसल उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान दूसरी लाइन ये कही थी कि भारत ने हमारे 300 सौ शिकार कर लिए जबकि हमारा टारगेट तो सिर्फ उनका हाई कमान था और ये सच्चाई भी है उस दिन एक बड़ी फॉर्मेशन जिसके अंदर कम से कम 24 लड़ाकू विमान थे भारत की तरफ रुख किया था और वो भारत की तरफ बढ़ भी रहे थे जिनमें पहला ग्रुप श्रीनगर की तरफ बढ़ रहा था जिसमें जे एफ थंडर थे चार और उनके पीछे था मिराज फाइव ये भी चार थे इसके अलावे एफ सिक्सटीन स्ट्राइक ग्रुप की चार लड़ाकू विमान बीच के एरिया को कवर कर रहे थे तो चार जे एफ बेकअप के तौर पर उन्होंने रखा हुआ था और चार एफ सिक्सटीन और चार मिराज फाइव बढ़ रहे थे इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ जिसकी सुरक्षा में लगा हुआ था भारत का सुखोई थर्टी एम के आई और वो भी मात्र दो की संख्या में लेकिन ये दो ही इन चौबीस लड़ाकू विमानों पर बहुत भारी पड़ गए। भारत की तरफ से बैकअप के तौर पर भेजा गया था मिग ट्वेंटी पाकिस्तान का प्लान कुछ ऐसा था कि इनके जरिए वो बड़ी तबाही मचाने वाले थे लेकिन उल्टा यह हो गया कि उन्हें पीओके से खुद के पाकिस्तान के अंदर पीछे हटना पड़ गया था और दो लड़ाकू विमानों ने ही उन्हें मजबूर कर दिया की वे अपने पेलोड को गिरा सीधे वहाँ से भाग गए हालाँकि इस क्रम में विंग कमांडर अभिनंदन का लड़ाकू विमान क्रैश हो गया लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सभी को पता है वैसे आपको क्या लगता है हिलाली के इस बयान ने पाकिस्तान के नकाब को नोच कर सबके सामने रख दिया है कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ